हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सलीमो इंडक्शन पैन, जो कढ़ाई कढ़ाई नॉट सॉरी कढ़ाई सलीमो इंडक्शन कढ़ाई अमेजोन से मैंने लिया है। ये कुछ 700 रुपये का पड़ा है और ये मैं सेकेंड टाइम ये चीज़ परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट टाइम, लगभग 1 साल 1.5 साल पहले मैंने लिया था। तो देखते हैं, जैसे आप बॉक्स ओपन करो इसके अंदर और एक बॉक्स आता है, और इस बॉक्स के अंदर ही आपको कढ़ाई मिलेगा। तो ये सलीमो का ब्रांड है और ये बहुत क्वालिटी वगैरह मुझे अच्छा ही लगा। और ये कैपेसिटी इसका, ये 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन हो गया, और इसमें 2.9 mm थिकनेस है। वैसे बॉडी प्रिंट है 1440 रुपये का, लेकिन अमेजोन में 700 में मिलता है। और ये कैपेसिटी 3 लीटर का ही है, मोस्ट प्रोबेबली 3 लीटर ही है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा नहीं है, यहाँ पे डिटेल्स नहीं है। मैं इसको कढ़ाई है, मेक श्योर आप ये जब भी लेते हो ना, आपको इस चीज़ बहुत ध्यान देना होगा कि इसमें जो आप इसका जो भी स्पून यूज करोगे वो वुडन या प्लास्टिक ही होना चाहिए। सो ये है कढ़ाई, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये 3 लीटर का ही है, 3 लीटर से ज़्यादा इसका कैपेसिटी नहीं है। 26 सेंटीमीटर, 3 mm थिक, और इंडक्शन के लिए है। सो मैं पहली बार इसको लगा रहा हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा इसमें पानी डालू के ये करता हूँ। सो मैं इसमें पानी डालता हूँ और इसको मैं फुल कैपेसिटी दूँ। 2100 वाट है मेरा, मेरा जो इंडक्शन है वो 2100 वाट है, तो मैं 2100 वाट में फुल कैपेसिटी में देखूंगा कितना टाइम लगता है इसको हीट होने में। मैं फुल कैपेसिटी में यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है बॉयल होने में। ये 2 इंडिकेट करता है, 2 आवर, यही बता देगा कितना टाइम लगता है बॉयल होने में। पूरा 2100 वाट के इसमें चल रहा है, देख लेते हैं कितना टाइम लगता है बॉयल होने में। इससे क्वालिटी अच्छा है इसका, लेकिन इस बार ये सही आया है, अच्छा आया। लास्ट टाइम जो आया था ये 1.5 साल पहले मैंने ऑर्डर किया, वो थोड़ा सा साइड से बेंट वगैरह था, तो मैंने लिया नहीं। और ये है इसका लीड, ये है इसका ग्लास लीड, ग्लास लीड है वो, बिना ग्लास लीड का देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, अभी 1 मिनट हुआ नहीं है, 1 मिनट हो गया होगा तो ये कमेगा, अभी 1 मिनट हुआ, 1 मिनट हो गया है। ग्लास लीड लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक बार लगा कर ये बहुत अच्छे से बैठ रहा है ग्लास लीड। नहीं, लास्ट टाइम जो लिया था ना उसमें थोड़ा सा इशू था, वो थोड़ा बेंड हो गया था, शायद ट्रांसपोर्ट के लिए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ही ऐसा हुआ होगा, ऐसा तो लगता नहीं है, कुछ होना चाहिए, पता नहीं कैसे हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, पानी गर्म हो गया है, 1 मिनट हुआ, देख रहे हो थोड़ा सा बुलबुले नीचे जो आ रहा है, ला ला ला, बुलबुले बुलबुले बुलबुली, तो बुलबुली बुलबुलिया आने स्टार्ट हो गया है। वैसे मेरे लाइफ में कोई बुलबुली नहीं है, देखते हैं। बुलबुली रे बुलबुली, बुलबुली रे बुलबुली, दो मिनट हो गया है अभी पानी बॉयल नहीं हुआ है। हीटिंग तो ठीक ही लग रहा है, हीटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा
ऐसा मुझे लग रहा है कि जल्दी हीट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, नॉन स्टिक की कढ़ाई रहता है तो थोड़ा हीट कम रहे तो अच्छा बनता है खाना। नीचे बहुत मस्त बुलबुलियाँ बनी हैं। अभी गर्म हो गया है, अब इसमें हाथ नहीं डाल सकते। सो गाइस, अगर लेना है तो ये ले सकते हो। हाँ देखो, ये लगभग आ गया है बॉइलिंग पॉइंट पे। ये अच्छा कढ़ाई है, मैंने दो बार यूज़ किया है। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो डाल सकते हो नीचे। 3 मिनट हो गया है, अभी तक फुल बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। ये पूरा 2100 वाट में चल रहा है। ये मेरा PGN का है, फिलिप्स का भी ऐसा ही एक आता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन उसका प्राइस भी है ज़्यादा, 3000 के आसपास प्राइस है। अब ये लगभग बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो लगभग 4 मिनट लेता है ये पानी बॉयलर। इसको 1 लीटर पानी मान सकते हो, लगभग 4 मिनट लेता है पूरा बॉयल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।